तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं फतेहगढ़ में आम खास बाग। ये वही जगह है जहां पे शाहजहां, जो मुग़ल बादशाह शाहजहां थे, वो लाहौर से दिल्ली, दिल्ली से लाहौर कभी भी आते जाते थे तो यहां पे होल्ड करते थे। उनके रहने के लिए यहां महल बनाया हुआ था। ये हमारे पीछे आपको दिख रहा है, ये एंट्री गेट है। इस बाग में पहले के समय बड़ा तालाब बना हुआ था और यहाँ पे सब जगह लाइटिंग और फुहारे लगे हुए थे। अभी तो तालाब तो नहीं है पर जगह आपको देखने को मिल जाएगी। सामने की तरफ जो दिख रहा है वो पुरानी हवेली है जहाँ शाहजहाँ जब भी आते जाते थे तब होल्ड करते थे। और इधर की साइड जो भी आपको कमरे दिख रहे हैं इस साइड, ये सब उनके सैनिकों के और उनके स्टाफ के लिए रहने के लिए व्यवस्था की गई थी। यह किला आज भारतीय पुरातात्विक विभाग सर्वेक्षण के द्वारा सुरक्षित रखा गया है। यह किला 11 एकड़ ज़मीन में बनाया हुआ है। तो अभी जो महल बना हुआ है, जो आम जनता के लिए रहने की व्यवस्था या आम जनता के लिए थी, उसका हम अंदर का व्यू दिखाते हैं। क्या बात है, ये तो पूरा अंदर किस टाइप का बना हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ से आप ऐसा लगेगा जैसे कोई एक दूसरे रूम के अंदर जाने के लिए ये बनाया हुआ था। ये दोस्तों पूरा जंगल है, जो 5 एकड़ में बना हुआ पूरा जंगल है, जिसमें आम के पेड़, बिल्ली पत्र, पुराने पुराने नारियल के पेड़ और वो सब लगे हुए हैं। एक दोनों साइड पूरा जंगल है और बीच बीच में आप घूम सकते हो। तो अभी हम लोग एक पहुँचे, उसी के अंदर एक हमें बहुत ही जंजर और पुराना भवन दिखा। तो देखते हैं क्या है अंदर। यहाँ पे देखने के लिए तो है ये बहुत ही पुराना और काफ़ी पुराना अंडरग्राउंड आने जाने की ये रास्ता था। तो देखिए यहाँ से ये पूरा बनाया हुआ है, मैं बता देता हूँ आपको। ये आपको इसी के अंदर अंदर जैसे पहले आने जाने की ये व्यवस्था हुआ करती थी। पहले अगर कभी युद्ध होता था और उन्हें कभी यार लगे कि भाई यार का सामना करना पड़ेगा, राजाओं को लगता था, तो उस समय निकलने के लिए ये अंडरग्राउंड में ऐसी सुरंगें बनाई गई थी जो आज भी हमें यहाँ दिख जाएगी। ऊपर की तरफ ये पूरा फर्श था और उसका दरवाज़ा कहीं और रखा रहता था, वहाँ से सीधा वो सुरंग में घुस के अंदर ही अंदर नीचे से नीचे रास्ते को पार करके भाग सकते थे। ये हितेश भाई खजाना ढूंढ रहे हैं, कहीं सुरंग मिली है इनको, अंदर खजाना मिल सकता है। मिल गई, यहाँ है, यहाँ है, कभी भी आप आओ तो यहाँ पे खोद के खजाना लेके जाना। अभी हमें एक सुरंग जैसा कुछ दिखा है, उसके अंदर जाएंगे हम। सुरंग है क्या? और भाई लाइट चालू कर, लाइट हम भी आपको दिखाते हैं। देखो क्या दिख रहा है पीछे, पहले और आगे जाते हैं। ओ भाई ये तो पूरी सुरंग बनी हुई है। देख इधर आ गए, ये क्या भाई? अभी थोड़ा ओ यार, ये हमने भी आपको सुरंग दिखा रहे हैं आपको। देखो ये ऐसा कुछ रास्ता बना हुआ है, आगे जाने पर रास्ता तो बंद है पूरा। पहले के ज़माने में सुरंग होगी है, उसे बंद कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा कुआं है, एक उस टाइम पता नहीं ये क्या काम आता था, पर
आज तो कुएं जैसा ही कुछ लग रहा है ऊपर से संभाल से। ओ बच गया भाई, बहुत ही छोटा छोटा रास्ता है, आपको अगर निकलना है यहाँ से तो अपने सिर को संभाल कर निकलना पड़ेगा। ओ माय गॉड, ये क्या है, अंदर क्या है ये, यहाँ आओ यहाँ। ओहो माय गॉड, क्या महल बनाया हुआ था उस समय का। दोस्तों आप अगर यहाँ आते हो तो रियलिटी आपको बहुत ही मज़ा आएगा। जो मैं आपको एक एक जगह दिखा रहा हूँ, कोना कोना दिखा रहा हूँ उस समय का, जहाँ मतलब लोगों को ढूंढने में भी कितनी प्रॉब्लम होती होगी हम तो आइडिया ही लगा सकते हैं। बाकी ये देखिए दोस्तों, एक एक जगह का एक एक कोना दिखाता हूँ। वही तो भाई, क्या रास्ता है, कहाँ से आएंगे कहाँ जाएंगे कुछ आइडिया नहीं है। ये गिरे ना, इसके लिए इन लोगों ने सपोर्ट लगा के रखा है लोहे का। ये देखिए दोस्तों, ओह माय गॉड, बहुत ही बड़ा, और ये पुराना है सबसे, ये वाला सबसे पुराना। ये देखिए क्या शहंशाह सोए हुए हैं। ओए पानी ना दे, ऊपर से जो पानी बारिश का टाइम होता था तो यहाँ से ये पानी आने का रास्ता था। यहाँ से होते हुए ये पानी सीधा इसी के अंदर, और ये कुंड बनाया हुआ था, इस कुंड के अंदर पानी आता था। ये जो लोगों ने जगह जगह पर दीवारों पर अपने नाम लिख कर रखे हैं, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि ये लोग ऐसी ऐतिहासिक जगह को अपने नाम लिख कर ख़राब न करें, इन्हें बनाए रखें, ये हमारा इतिहास है। तो दोस्तों अब हम आम खास बाग घूम के आ गए हैं, बहुत चलना पड़ता है, बहुत अच्छी हिस्टोरिकल पैलेस है, और ऐसे हिस्टोरिकल पैलेस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको पूरे इंडिया में जो भी हिस्टोरिकल पैलेस है अलग अलग ढूंढ के मेहनत करके आपको दिखा रहे हैं। जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक करें, शेयर करना न भूलें।